जयो राधा माधव कुंज बिहारी, जयो राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारे, जय गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारे, यशोदा नंदन ब्रज जनरंजन, यशोदा नंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तेरा वनचारिया, मोना वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम
हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल श्री हरि नाम संकीर्तन की जय श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय श्री श्री गौर निताय की जय जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्री गुरो श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सैगन रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावदेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निखिल श्रुति मौली रत्नमाला द्युति निराजिता पाद पंकजान्ता अहि मुक्त कुले रूपास्यमानां परित्रास्त्वं हरिनाम संशयामि सार्थम अर्जुनस्यादो कुर्वन् गीतामृतं ददो लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः अज्ञान निराधिरूपेति यया विशेषं भक्ति परापि भजते परिपोषम उच्चै तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गमम अपि अजर्षम षड्गुण्य ब्रत्स्वरचितं प्रणमामि गीतं मनोजवमारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानर्युतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के भगवद गीता के लेक्चर के अंदर। और आज जो है मैंने जैसे आपको बताया था कि आज हम श्लोक 2.13 डिस्कस करेंगे। 2.13 तो ये जो है ABCD स्टार्ट हो रहा है भगवद गीता का। मैंने आपको कल बताया था कि ये जो श्लोक पे चर्चा चल रहा है श्लोक क्रमांक 10 से लेकर श्लोक क्रमांक 25 तक, इसमें डिस्कस क्या होगा, इसमें आत्म साक्षात्कार का विज्ञान और आत्मा का विज्ञान, ये दो विषय डिस्कस होंगे बेसिकली। और चूंकि पहले अध्याय भगवद गीता में अर्जुन ने युद्ध ना करने का एक कारण दिया था
वो थी दया की भावना, जो कि श्लोक क्रमांक 28 से लेकर 30 तक अर्जुन ने लॉजिक दिया कि इतने सारे लोग मारे जाएंगे, तो अर्जुन का कंपैशन था, दया की भावना थी, उस रीजन को भगवान यहाँ पर काटेंगे, उस आर्ग्यूमेंट को भगवान कृष्णा अभी 2.11 से लेकर 2.30 श्लोक तक काटते हैं अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स देके। तो ये हम डिस्कस कर रहे हैं और आज का श्लोक है वो इस प्रकार है। आप मेरे पीछे ये बहुत ही ये जो श्लोक हम चर्चा करेंगे ना, जैसे कल जो हमने चर्चा किया, कुछ कुछ श्लोक आप सभी को याद करना चाहिए, जैसे आज का श्लोक भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, उसको भी याद करना चाहिए। तो मैं आपको जो है शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। यस, तो जो लोग के जिन लोगों के बैकग्राउंड में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है वो अनम्यूट करके जो इसको दोहरा सकते हैं, जिनके बैकग्राउंड में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। जिन लोगों के बैकग्राउंड में डिस्टर्बेंस ना हो वो अनम्यूट कर सकते हैं, उनको फ्रीडम है अनम्यूट करने का, और वो श्लोक दोहरा सकते हैं। देहिनो अस्मिन् यथा देहे, देहिनो अस्मिन् यथा देहे, कौमारं यौवनं जरा, कौमारं यौवनं जरा, तथा देहांतर प्राप्तिर, तथा देहांतर प्राप्तिः, धीरस्तत्र न मुह्यति, धीरस्तत्र न मुह्यति, देहिनो अस्मिन् यथा देहे, देहिनो अस्मिन् यथा देहे, कौमारं यौवनं जरा, कौमारं यौवनं जरा, तथा देहांतर प्राप्तिर, तथा देहांतर प्राप्ति, धीरस्तत्र न मुह्यति, धीरस्तत्र न मुह्यति, देहिनो अस्मिन् यथा देहे, देहिनो अस्मिन् यथा देहे, कौमारं यौवनं जरा, कौमारं यौवनं जरा, तथा देहांतर प्राप्तिर, तथा देहांतर प्राप्तिः, धीरस्तत्र न मुह्यति, धीरस्तत्र न मुह्यति। तो आप में से जिसका रीडिंग अच्छा हो वो ये मैं आपको जो है ये निकाल के दे रहा हूँ, ये पढ़ सकते हैं आप, इसका शब्दार्थ अनुवाद व तात्पर्य कोई भी, जो जिसका स्पीड कम होना चाहिए उसका जो है इंटेंसिटी लाउड होना चाहिए, कोई पढ़ेंगे शब्दार्थ अनुवाद व तात्पर्य। हाँ पढ़िए। देहिना शरीर धारी की, अस्मिना इसमें, यथा जिस प्रकार, देहे शरीर में, कौमारम बाल्यावस्था, यौवनम यौवन तरुण, जरा वृद्धावस्था, तथा उसी प्रकार देह अंतर शरीर के स्थानांतरण की प्राप्ति उपलब्धि, धीरह धीर व्यक्ति, यत्र और तत्र उस विषय में ना कभी नहीं मुहाती मोह को प्राप्त होता है। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तात्पर्य, प्रत्येक जीव एक विशिष्ट आत्मा है, वह प्रतिशन अपना शरीर बदलता है। इसका मतलब व्यष्टि आत्मा है, वह प्रतिशन अपना ठीक है, वह प्रतिशन अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा और कभी वृद्ध पुरुष के रूप में, तो ही आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। वह व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंतोगत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है, और चूंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना असंभव भावी है, अवश्यम भावी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। अतः अर्जुन के लिए ना तो भीष्म ना ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था, अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वे अपने पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर ग्रहण करें और इस तरह वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुख
सुख उपभोग या कष्टों का लेखा हो जाता है। चूंकि भीष्म द्रोण साधु पुरुष थे इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होंगे ही। अतः दोनों ही दशाओं में शोक का कोई कारण नहीं था। हरे कृष्णा। ये आगे भी है। हाँ हाँ, जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है वह धीर कहलाता है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। आत्मा के एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएगा, जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत अस्तित्व है, सनातन अस्तित्व है, जिन्हें शर कहा जाता है, अर्थात उनमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है। ये भिन्न अंश खंड नित्य भिन्न होते हैं। यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी विशिष्ट आत्मा जैसे का तैसा भिन्न अंश बना रहता है, किंतु एक बार मुक्त होने पर वह श्री भगवान के साथ सच्चिदानंद रूप में रहता है। परमात्मा पर प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत व्यवहित किया जा सकता है। जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है वह विशिष्ट जीव से भिन्न होता है। हाँ, व्यष्टि जीव से भिन्न होता है। जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है जीवों से तथा सूर्य या चंद्रमा की परमेश्वर से की जा सकती नहीं, है। नहीं, आप एक लाइन भूल गए। नहीं नहीं, हाँ हाँ, एक लाइन भूल गए। हाँ, जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो प्रतिबिंब में सूर्य चंद्र और तारे सभी कुछ रहते हैं। तारों की तुलना जीवों से सूर्य या चंद्र की परमेश्वर से की जा सकती है। विशिष्ट अंश आत्मा को अर्जुन के रूप में और परमात्मा को श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जैसा कि चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में स्पष्ट है कि वे एक ही स्तर पर नहीं होते। यदि अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर हो और कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठ ना हो तो उनमें उपदेशक तथा उपसिद्धिष्ट का संबंध अर्थहीन होगा। यदि ये दोनों माया द्वारा मोहित होते हैं तो एक को उपदेशक और दूसरे को उपदिष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा, क्योंकि माया के चुंगल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेशक नहीं बन सकता। ऐसी परिस्थितियों में यह मान लिया जाता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं और जो पद में माया द्वारा विस्मृत अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ है। हरि बोल। तो अभी समय हमारे पास बहुत कम ही रहता है, क्या करते हैं, क्योंकि तात्पर्य पढ़ना भी जरूरी है और 10 मिनट है हमारे पास, 13 मिनट है। लेट्स सी कितना हम डिस्कस कर पाते हैं। तो ये जो श्लोक है ये इसमें जैसे कल हमने चर्चा किया था, तो इस श्लोक के अंदर जैसे भगवान कृष्ण ने कल के श्लोक में 2.12 में बताया था के क्या सिद्धांत बताया था कि प्रत्येक जीवात्मा व्यक्तिगत रूप से नित्य है। प्रत्येक जीवात्मा व्यक्तिगत रूप से नित्य है, मतलब हर जीव, हर लिविंग एंटिटी, उसका जो है इंडिविजुअलिटी है, वो इंडिविजुअलिटी रहता है जन्म से पहले भी और इस जीवन के दौरान भी और मृत्यु के बाद भी। जो जीवात्मा है वो इंडिविजुअल रहता है, वो उसका इंडिविजुअलिटी कभी खत्म नहीं होता। इसको बोला गया व्यष्टि, व्यष्टि तो व्यष्टि का मतलब ये होता है इंडिविजुअलिटी। तो पिछले श्लोक 2.12 में कृष्ण बोलते हैं कि जो आत्मा है, प्रत्येक जीवात्मा व्यक्तिगत रूप से नित्य है, मतलब इंडिविजुअल तो है ही, साथ साथ में नित्य है, मतलब ऑलवेज सदा रहने वाला है। पर इस चीज को कैसे एक्सप्लेन करें, इस चीज को एक्सप्लेन कैसे किया जाए, है ना, क्योंकि शरीर तो बदल जाता है। हम देखते हैं छोटे बच्चे का शरीर होता है, फिर यंग बनता है, उसका शरीर अलग होता है, फिर बूढ़े व्यक्ति का शरीर अलग होता है ना। पर जीवात्मा तो वही रहता है, शरीर बदलता है। तो इस बात को समझाने के लिए श्री कृष्ण जो है ये एक बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं श्लोक में, जो हमारे बुद्धि के द्वारा अनुभव किया जा सकता है ना। जैसे आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं केमिस्ट्री का या फिजिक्स का,
तो पहले आप थ्योरी समझते हैं, टीचर आपको थ्योरी समझाते हैं, जैसे स्पेशली केमिस्ट्री या टाइट्रेशन करना हो तो टीचर आपको बताएंगे कि ये दो केमिकल मिलाना है, इतना टेम्परेचर होता है, उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, तो उससे ये कंपाउंड बनता है। जैसे केमिस्ट्री में आप लोगों ने किया होगा टाइट्रेशन, तो उसी प्रकार से, तो बेसिकली जो हमने केमिस्ट्री में सिद्धांत पढ़ा उसको हम लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं। तो जो भगवद गीता है वो भी एक साइंस है। भगवद गीता एक जो है ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध फॉलो करने के लिए, ये भी एक विज्ञान है। इसमें भी थ्योरी पढ़ते हैं, फिर उसका प्रैक्टिकल अनुभव करना पड़ता है लेबोरेटरी में। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, क्या सिद्धांत बता रहे हैं कि प्रत्येक जीवात्मा जो है वो व्यक्तिगत रूप से नित्य है। तो इस सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए, इसको वेरीफाई करने के लिए लेबोरेटरी में टेस्ट करना पड़ेगा, जैसे केमिस्ट्री में करते हैं। लेकिन उसको टेस्ट कैसे करेंगे, यहाँ पर लेबोरेटरी है क्या? जैसे उसके लिए तो केमिस्ट्री का लेबोरेटरी था, तो वहां पर टेस्ट कर लिया, यहाँ पर कैसे टेस्ट करेंगे? तो भगवान बोलते हैं कि धीरस तत्र न मुह्यति, यहाँ पर धीरस तत्र न मुह्यति यूज किया है। तो धी का मतलब होता है बुद्धि, आप समझ पा रहे हैं, धीर का मतलब होता है वह व्यक्ति जिसके पास धी है, धीर मतलब बुद्धि है। तो यहाँ पर जो बुद्धि है वो लेबोरेटरी है, इस श्लोक के अंदर जो बुद्धि है उसी को लेबोरेटरी बताया गया है। और जो जानने की, जैसे आप टाइट्रेशन करते हैं लेबोरेटरी में करते हैं और उसका पर्टिकुलर मेथड होता है, फिर आपको पता लगता है कि हाँ रिजल्ट वेरीफाई करते हैं, उसी प्रकार से भगवान सिद्धांत क्या दे रहे हैं कि प्रत्येक जीवात्मा क्या है, व्यक्तिगत रूप से नित्य है। मतलब हर जीवात्मा जो है वो इंडिविजुअल रहता है, उसका इंडिविजुअलिटी खत्म नहीं हो जाता, भगवान से भगवान के अंदर समा नहीं जाता है, भगवान उसका अस्तित्व भगवान के साथ रहता है अलग से, और वो नित्य है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए लेबोरेटरी है हमारी बुद्धि, और जो तरीका है प्रयोग करने का वो तरीका क्या है वो तरीका क्या है, अनुभव, अनुभव करना है ना, अनुभव करके हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये होता है। तो ये जो प्रश्न उठता है कि अगर ये बुद्धि लेबोरेटरी है, और ये बुद्धि सभी के पास, भगवान ने सभी व्यक्ति सभी मनुष्यों को ये बुद्धि दी है जिसमें व्यक्ति सोच सकता है, ये है ना, अनुभव कर सकता है, आप समझ गए। पर प्रश्न उठता है अगर सभी व्यक्तियों को भगवान ने बुद्धि दिया है जिसको प्रयोगशाला से कंपेयर किया गया है और जिसमें अनुभव करके व्यक्ति इस सिद्धांत को समझ सकता है कि प्रत्येक जीवात्मा जो है वो नित्य है, तो फिर सारे लोग उसको समझते क्यों नहीं, बुद्धि तो सबके पास है ना, ये प्रश्न उठता है। अगर सभी के पास बुद्धि है, पशु पक्षी जो होते हैं जानवर लोग वो ये सोच नहीं सकते, इसलिए उनके पास ऐसा बुद्धि नहीं होता, लेकिन जितने भी मनुष्य हैं भगवान ने सबको बुद्धि दिया है। बुद्धि की सहायता से हम इसको अनुभव कर सकते हैं कि जो है आत्मा जो होता है, प्रत्येक जीवात्मा वो सदा रहता है, नित्य है और व्यक्तिगत है, वो उसका एग्जिस्टेंस इंडिविजुअल रहता है, वो भगवान में समा नहीं जाता है। इसको बुद्धि से कैसे अनुभव किया जाए, बुद्धि तो सबके पास है, फिर सब लोग क्यों नहीं बुद्धि लगाते? तो इसको समझाया गया यहाँ पर कि जिस प्रकार आप प्रयोगशाला में हैं, प्रयोगशाला में भी आपको प्रयोगशाला काम में लेना है, लेबोरेटरी को काम में लेना है, तो दो चीजें चाहिए कम से कम। एक तो जो काफी चीजें चाहिए, उसमें से दो चीजें महत्वपूर्ण है। एक तो क्या है, एक तो चाहिए आपको लेबोरेटरी के अंदर प्रकाश, लाइट होना चाहिए, अंधेरा नहीं होना चाहिए। अंधेरा होगा तो हम देख ही नहीं पाएंगे कि उसको कैसे काम में लेना है, कौन से केमिकल को किसमें मिक्स करना है। और दूसरा जो है बताया गया है इसके साथ साथ के लेबोरेटरी में गंदगी नहीं होनी चाहिए, आप समझ गए। अगर लेबोरेटरी में गंदगी होगा तो कैसे एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे। उसी प्रकार से बुद्धि तो सभी मनुष्य के पास दिया है भगवान ने, ये समझने के लिए कि प्रत्येक जीवात्मा क्या है, नित्य है ना, व्यक्तिगत है और नित्य है। लेकिन हर जीवात्मा इसको समझ क्यों नहीं पाता, क्योंकि उसके दिमाग में तमोगुण रूपी अंधकार भरा हुआ है और रजोगुण रूपी कचरा भरा हुआ है। जब तमोगुण और रजोगुण रूपी अंधकार और कचरा भरा हुआ होता है तो व्यक्ति समझ नहीं पाता है। तो अब इसको जो है, इस सिद्धांत को भगवान क्या सिद्धांत बता रहे हैं, क्या प्रिंसिपल बता रहे हैं कि देह बदलने पर भी, देह अगर शरीर बदलता है लेकिन आत्मा कभी नहीं बदलता, इसको बता रहे हैं, है ना। तो इसको बहुत सुंदर उदाहरण से समझा रहे हैं। क्या, जैसे कोई व्यक्ति छोटा होता है, बहुत सुंदर उदाहरण से कैसे समझा रहे हैं, कोई व्यक्ति छोटा होता है तो उसका शरीर होता है बच्चे का, फिर वही व्यक्ति जब
जवान होता है उसका शरीर जो है अलग हो जाता है, और जब वही व्यक्ति बूढ़ा होता है तो उसका उसका शरीर बिल्कुल अलग हो जाता है। तो पॉइंट यहाँ पर यह है कि शरीर बदल रहा है कंटिन्यूसली। आप देख लीजिए, आपका जो शरीर था बचपन का वो शरीर अभी आपका नहीं है, और जो आपका अभी का शरीर है बुढ़ापे में वो शरीर नहीं रहेगा, है ना? आप देख सकते हैं ना, पहले बचपन में जो आपका शरीर था क्या वो शरीर अभी है हमारा? वो शरीर अभी नहीं है हमारा, है ना? और बचपन में जो हमारी इच्छाएं थी क्या वैसी इच्छाएं हैं हमारी? नहीं, बचपन में हमारी इच्छाएं रहती हैं खिलौने के साथ खेलने के लिए, फिर जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी इच्छाएं रहती हैं, है ना, लिविंग खिलौनों के साथ खेलने के लिए, जीते जागते खिलौनों के साथ, मतलब कोई लाइफ पार्टनर हो या कोई फ्रेंड हो किसी के साथ, मतलब कोई लिविंग व्यक्ति होना चाहिए उसी के साथ हम खेलना चाहते हैं। और बचपन में हमारी इच्छा होती है खेलने की, जवानी में हमारी इच्छा होती है कुछ और कि जॉब लगूं, ये सब हमारी इच्छाएं बदलती हैं, है ना, हमारी अनुभूतियां बदलती हैं, हमारे अनुभूतियां बदलती हैं, एक्सपीरियंसेस बदलते हैं। बचपन में हमारे एक्सपीरियंस कुछ और होते हैं और बुढ़ापे में हमारे एक्सपीरियंस कुछ और होते हैं, जवानी में कुछ और होते हैं, और ऐसे ही हमारी यादें भी बदलती हैं। बचपन की मेमोरीज कुछ और होती हैं, जवानी की कुछ और, बुढ़ापे की कुछ और। तो भगवान ये बता रहे हैं कि जो इस सत्य को नहीं जानता है, जो इस सिद्धांत को नहीं जानता है, क्या सिद्धांत को? कि आत्मा वही रहता है, शरीर केवल बदलता है। तो जो इसको नहीं मानेगा वो अपने आप को क्या मानेगा? वो अपने आप को शरीर समझेगा कि मैं तो शरीर हूं, मैं आत्मा हुई नहीं। और जो अपने आप को शरीर मानेगा वो शरीर के परिवर्तन से बड़ा दुखी हो जाता है और शरीर की चीजों से हमेशा आकर्षित रहता है। जैसे शंकराचार्य जी बोलते हैं, बालस्तावत क्रीड़ा सकता, तरुणस्तावत तरुणी सकता, वृद्धस्तावत चिंता सकता, परे ब्रह्मणी को अपी न सकता। यहाँ पर बोलते हैं कि जब कोई छोटा होता है बाल अस्तावत, तो वो खेलने के प्रति जो है आसक्त रहता है, खेलना, बच्चे जब हमेशा है खेलने में ही लगे रहते हैं, इतना एब्जॉर्ब रहते हैं कि उनको खाने पीने का भी ध्यान नहीं रहता। तरुण अस्तावत तरुणी सकता, जब वही बच्चा बड़ा होता है तो वो लड़कियों के पीछे भागना शुरू कर देता है, स्त्रियों के पीछे, और उसमें जो है पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है, भूल जाता है सब कुछ। लेकिन जब वृद्धावस्था आती है, बुढ़ापा आता है, तो वो क्या होता है? चिंता सकता, चिंताग्रस्त हो जाता है, अब क्या होगा, उसके अंग काम नहीं करते। लेकिन कोई भी भगवान के बारे में जो है, भगवान से जो है, भगवान के बारे में कोई चिंतन नहीं करता, कोई पूछता नहीं, कोई जिज्ञासा नहीं करता, पूरी जिंदगी उसकी निकल जाती है, बचपन खेलने में, जवानी स्त्रियों के पीछे, बुढ़ापा चिंता में, लेकिन भगवान के पीछे कोई इंक्वायरी नहीं करता। इसलिए बोलते शंकराचार्य, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ो मते। तो बोलते हैं शंकराचार्य जी, अरे मूर्ख, गोविंद को भज लो, गोविंद को भज लो, श्री कृष्ण को भज लो, है ना, जब मृत्यु आएगी। संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं दुक्रन, ऐसा करके एक श्लोक आता है, इसमें बोलते हैं शंकराचार्य कि अगर आपने जो है गोविंद को नहीं भजा तो जब मृत्यु आएगी तो ग्रामर के नियम, जो आपने ग्रामर याद किया है, संस्कृत याद किया है, वो नियम आपको हेल्प नहीं करने वाले, है ना, इसलिए कृष्ण का भजन करना चाहिए। तो जो अपने आप को शरीर मानता है वो शरीर के परिवर्तन से परेशान हो जाएगा, जब मृत्यु आएगी तो बहुत दुखी हो जाएगा या शरीर की अवस्थाओं से प्रभावित होगा। पर जो विद्वान व्यक्ति है, जो शरीर नहीं मानता, जिसको पता है मैं आत्मा हूँ और आत्मा परिवर्तन होता है, तो वो उससे घबराता नहीं है, उससे परेशान नहीं होता। और ये तो एक शरीर के अंदर परिवर्तन होता है, और अंत में क्या होता है, जब ये शरीर खराब हो जाता है तो आत्मा क्या करती है, दूसरे शरीर को ग्रहण करती है। आप समझ पा रहे हैं? तो इसको बड़ा परिवर्तन बोला जाता है, है ना? तो शरीर के अंदर भी जो है परिवर्तन होते हैं, और शरीर जब ये खराब हो जाता है तो दूसरा शरीर ग्रहण करता है आत्मा, तो उसको बोला गया है, है ना, मृत्यु के समय देही क्या करता है, एक शरीर को दूसरे शरीर में चले जाता है, इसको बड़ा परिवर्तन। मृत्यु का मतलब क्या है? मृत्यु का मतलब है कि जैसे हम कपड़े बदलते हैं, अभी आएगा आगे श्लोक आएगा, एक शरीर खराब हो गया तो आत्मा दूसरा शरीर ग्रहण कर लेता है, इसी को मृत्यु बोलते हैं।
तो इस अवस्था में धीर व्यक्ति को मोहित नहीं होना चाहिए, यहाँ पर बताया गया है ना। मोहित नहीं होना चाहिए का मतलब क्या है बताया जाता है, यहाँ पर तीन मतलब दिए गए हैं धीरस्तत्र न मुह्यति। पहला मतलब है मोहित ना होने का, के कभी भी व्यक्ति को भ्रमित नहीं होना चाहिए, मूर्ख नहीं बनना चाहिए। पहला मतलब है मोहित होने का या धीरस्तत्र न मुह्यति, इसका पहला मतलब है कि व्यक्ति को भ्रमित नहीं होना चाहिए, मूर्ख नहीं बनना चाहिए, है ना। कि वो व्यक्ति जो किसी घटना को देख के भ्रमित हो जाता है या मूर्ख बन जाता है, उस व्यक्ति के समान नहीं बनना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रामायण में सीता जी के सामने जो मारीच होता है वो सोने के मृग का रूप धारण करता है, और सोने के मृग के से सीता जी आकृष्ट हो जाती हैं, और इसी के कारण उनको राम जी से दूर होना पड़ता है। उसी प्रकार से यहाँ पर बताया गया है कि मृत्यु के बाद कोई जो व्यक्ति आजकल की जो एजुकेशन है वो ये बोलता है कि यही हमारा लास्ट लाइफ है, इसके बाद कोई जीवन नहीं है, इसलिए जो करना है इसी जीवन में कर लो, खाओ पियो मौज करो, इसके बाद अगला जीवन नहीं है। ये गलत सिद्धांत है, ये आधुनिक विज्ञान ये सिखाता है कि मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं होता। जो इस सिद्धांत रूपी मृग से इस सिद्धांत को सोने के मृग से कंपेयर किया गया जो रामायण में था, जिसे सीता जी आकृष्ट हो गई थी, तो जो इस सिद्धांत से अट्रैक्ट हो जाता है कि यही जीवन आखिरी जीवन है, इसके बाद अगला कोई जीवन नहीं है, तो वो क्या करता है सीता के समान जो है उनको भगवान से दूर होना पड़ता है। इस प्रकार सीता जी इस सोने के हिरण से आकृष्ट हो गई थी, पर वास्तव में वो हिरण था ही नहीं, वो तो मारीच था, और उनको राम जी से दूर होना पड़ा। उसी प्रकार जो इस सिद्धांत को मानते हैं कि यही लास्ट जीवन है, इसके बाद अगला जीवन नहीं है, और जो आनंद मनाना है इसी जीवन में मनाना है ना, तो वो इस जीवन में इंद्र तृप्ति में व्यस्त रहते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते। तो वास्तव में ये जो जीवन है श्री कृष्ण की तीव्र भक्ति का अभ्यास करने के लिए मिला है, ताकि हम आध्यात्मिक जगत में वापिस जा सकें। दूसरा जो है धीरस्तत्र न मुह्यति का मतलब होता है उद्विग्न होना या परेशान होना, ठीक है। तो उसका मतलब है जो व्यक्ति जो है उद्विग्न नहीं होता या परेशान नहीं होता उसको धीर बोलते हैं, धीरस्तत्र न मुह्यति, ठीक है। तो ऐसा वर्णन आता है, आपने सबने पढ़ा है चैतन्य चरितामृत, उसमें जो है श्रीवास ठाकुर जो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे, नारद मुनि के अवतार बताते हैं उनको, श्रीवास पंडित जो थे एक बार चैतन्य महाप्रभु उनके घर पे संकीर्तन कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि उनका जो पुत्र होता है उसकी मृत्यु हो जाती है, श्रीवास ठाकुर की, श्रीवास पंडित के पुत्र की, उसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने से क्या होता है कि घर की सारी महिलाएं रोने लग जाती हैं, और इधर जो है श्रीवास पंडित के घर पे चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे होते हैं, कीर्तन कर रहे होते हैं। तो जब श्रीवास पंडित को पता लगता है, चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान कृष्ण है जो भक्त के रूप में आए थे कलयुग में लगभग 525 साल पहले, तो वो चैतन्य महापुरुष स्वयं भगवान है, उनके घर पे आके कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, और उस समय जो है घर की महिलाएं जोर जोर से रोने लग गई कि हमारा पुत्र श्रीवास ठाकुर का पुत्र मर गया। श्रीवास ठाकुर जाते हैं और बोलते हैं अरे तुम इतनी जोर जोर से क्यों रो रही हो, है क्या तुमको पता नहीं कि श्री कृष्ण स्वयं यहाँ पर उपस्थित है, क्या तुम श्री कृष्ण की महिमा को नहीं जानती हो, तो क्यों रो रही हो। अगर आपके रोने से भगवान चैतन्य महाप्रभु को थोड़ा भी डिस्टर्बेंस होगा तो वो नृत्य बंद कर देंगे और ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा, है ना। अगर आपको रोना है तो धीरे धीरे रो, और फिर भी अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं गंगा में कूद जाऊंगा, है ना। तो जब जो है ये जब सुना तो सारी महिलाओं ने धीरे धीरे रोना शुरू कर दिया, और जब चैतन्य महाप्रभु को पता लगा कि श्रीवास ठाकुर का पुत्र मर गया है, फिर भी वो कुछ बोले नहीं। चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए उनकी भक्ति को देख के, है ना। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनके पुत्र को जीवित किया और जीवित करके पूछा, है ना, कि भाई के क्या तुम श्रीवास ठाकुर का घर छोड़कर जा रहे हो, है ना, श्रीवास ठाकुर का घर छोड़कर क्यों जा रहे हो। तो वो जो बालक था जो मर गया था वो बोले मैं तो प्रभु आपके ही विधि विधान का पालन कर रहा हूँ, आपके विधि विधान को बदलने की शक्ति किसके अंदर है, है ना। और यहाँ पर कौन किसका पुत्र कौन किसका पिता, सोचिए वो बालक जो था वो मर गया था, उसको वापस जीवित किया चैतन्य महाप्रभु ने, और वो बोल रहा है कौन किसका पुत्र कौन किसका पिता। सोचिए ऐसा हो जाए, कोई व्यक्ति जब मर जाता है जिससे हम बड़ा प्रेम करते हैं, वो बोल के बोले तुम कौन यार, मैं कौन, अलग अलग जीवन में कौन किसका पिता, हमारे कितने जन्म हुए, कभी कौन किसका पिता बनता है, कौन, अभी जो हमारे पिता हैं वो हमारे पुत्र भी बन सकते हैं,
ऐसा जरूरी नहीं कि ये पिता पिता और पुत्र का रिलेशन हमेशा रहने वाला है. हम एक जीव है, हमारे पिता एक जीव है. इस जन्म में हमारे पिता है, हो सकता है अगले जन्म में कुछ और बन जाए. आप समझ पा रहे हैं, ये पॉइंट है. तो ऐसे जब बताते हैं तो उनका सारा जो शोक होता है श्रीवास ठाकुर के घर वालों का वो दूर हो जाता है. आप समझ पा रहे हैं. और फिर चैतन्य महाप्रभु जो होते हैं वो बालक वापिस जो है मर जाता है. और तो फिर उसके बाद चैतन्य महाप्रभु बड़े खुश होते हैं उनकी भक्ति से. बोले श्रीवास तुम्हारी भक्ति जो है, तुमको दुख क्या होगा, संसार संसार के दुखों से तुमको क्या लाभ, तुमको कुछ नुकसान हो ही नहीं सकता क्योंकि तुम तो मेरे जो है दृढ़ भक्त हो. तो हमने देखा श्रीवास ठाकुर बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए क्योंकि वो धीर थे. ऐसे ही आता है कि तीसरा मतलब होता है धीरज तत्र न मुह्यति का, आश्चर्य करना या संदेह करना. तो धीरज तत्र मतलब किसी इस धीरज तत्र न मुह्यति का मतलब है कि किसी प्रकार से आश्चर्य नहीं करना चाहिए और संदेह नहीं करना चाहिए. जनरली कोई कोई घटना को हम ठीक से समझ नहीं पाते तो उस पर आश्चर्य करते हैं या संदेह करते हैं. बहुत से ऐसे लोग हुए हैं जो संशय में पड़े रहते हैं कि भाई मृत्यु के बाद भी अगला जीवन होगा कि नहीं, है ना. एक जो है बहुत बड़े जो है एक सो कॉल्ड भौतिकवादी है चार्वाक मुनि, उन्होंने बहुत सुंदर बोला है. क्या बोला है कि है ना, क्या बोला है, भस्मी भूतस्य देहस्य. वो बोलते हैं कि अगर लोन लेके भी घी पीना पड़े तो घी पियो, क्योंकि अगला जीवन तो किसी ने देखा ही नहीं है. आजकल के लोग सब चार्वाक मुनि के फॉलोवर हैं, सारे गलत काम करते हैं, खाते पीते हैं, है ना. लिखा होता है ना टी शर्ट पे, लिखा होता है ईट ड्रिंक एंड मैरी. अरे ये तो जानवर भी कर रहे हैं, इसी को करने के लिए पैदा हुए हो क्या? खाओ पियो, बच्चे पैदा करो और रक्षा करो, यही करने के लिए पैदा हुए हैं. तो क्योंकि वो मानते हैं अगला जीवन तो होता ही नहीं है, अगला जीवन होता नहीं है तो जो करना है करो, अगला जीवन किसने देखा, ये आखिरी जीवन है, जितना मजा करना है करो. और पता नहीं अगला यमपुरी में जाना पड़ेगा, यमराज जी पिटाई करेंगे, ये तो जानते नहीं. यमराज जी बहुत बुरी पिटाई करते हैं, बहुत दंड देते हैं. तो पॉइंट ये है कि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे संशय होता है कई लोगों के, मृत्यु के बाद भी अगला जीवन होता है क्या, है ना. पर श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि मृत्यु के बाद भी अगला जीवन होता है. जैसे भरत महाराज थे, वो बहुत बड़े राजा थे, है ना, सब कुछ घर बार छोड़ के आए अपना, और भाव भक्ति का स्तर प्राप्त कर लिया था, और फिर हिरण से आसक्त हो गए. अगला शरीर किसका मिला? हिरण का. ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण दिखेंगे. नारद मुनि थे, अपने पहले वाले जन्म में एक शूद्र के पुत्र थे, शूद्राणी के, है ना. और वो उन्होंने भक्ति, जो भगवान के भक्त थे उनका संग किया, उनका झूठा खाया, अगले जीवन में नारद मुनि बन गए. तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आते हैं कि अगले जीवन में जो है अगला जीवन भी होता है, यही आखिरी जीवन नहीं है, है ना. और खासकर इस श्लोक में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आत्मा जो होता है, मायावाद दर्शन का खंडन कर रहे हैं शिला प्रभुपाद जी. मायावाद दर्शन बोलता है कि भगवान और जीव जो है वो एक हो जाते हैं. माया में जब तक जीव रहता है तब तक वो भगवान से अलग रहता है. जब तक जीव माया में रहता है तब तक उसका अलग से एग्जिस्टेंस है. जैसे ही माया हट जाती है तो जीव भी जो है भगवान में मिल जाता है. तो ये जो मिलने वाला थ्योरी, ये बड़ा गलत है. जीव हमेशा से भगवान से अलग, भगवान से भिन्न होता है. जीव को भगवान का भिन्न अंश बताया गया है. हम जो है, हमारा अलग इंडिविजुअलिटी है, हमारा अलग व्यक्तित्व है, भगवान का अलग व्यक्तित्व है. जब हम मुक्त हो जाएंगे, भगवान के धाम को जाएंगे, तो हम ऐसा नहीं कि हम भगवान के अंदर शामिल हो जाएंगे, भगवान के शरीर के अंदर मिल जाएंगे. नहीं, हमारा अस्तित्व रहेगा अलग से, हमको अलग से एक शरीर मिलेगा, आध्यात्मिक शरीर भगवान के समान, लेकिन फिर भी हम भगवान की सेवा करेंगे. हम और भगवान एक नहीं हो सकते. तो शिला प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि जीव और भगवान जो है वो कभी भी एक नहीं हो सकते. जीव का इंडिविजुअलिटी रहता है, जीव शाश्वत है, उसका व्यक्तित्व रहता है, भगवान का व्यक्तित्व अलग होता है. पर वो दोनों, भगवान जो है वो फिर भी जो है, अगर जीव और भगवान एक होते तो कृष्ण अर्जुन को उपदेश देने का फायदा क्या होता. क्योंकि कृष्ण और अर्जुन अगर एक ही होते तो कृष्ण भी माया में है, अर्जुन माया में, तो कृष्ण भी माया में, तो कृष्ण उपदेश कैसे देंगे? उपदेश तो उसी से ग्रहण करेंगे ना जो माया से बाहर हो. तो ये समझा रहे हैं इस श्लोक के अंदर. आप इसको घर पे पढ़ भी सकते हैं, अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हैं. तो अभी 4 मिनट बच गया, आपका कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं. हरे कृष्णा. किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं. 4:30 मिनट है हमारे पास. किसी का कोई प्रश्न है?
ठीक है, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोग कल मिलेंगे। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हाँ दंडवत प्रणाम। बड़ा लेट आवाज आया माता जी आपका। हरे कृष्ण। हाँ बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बताइए। हरे कृष्ण। आपने कहा कि आपका आवाज नहीं आ रहा है ठीक से, आपका नेटवर्क शायद वीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ अब बताइए। आपका शायद सिग्नल वीक है माता जी, आप मेरे को वैसे प्रश्न पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे, क्योंकि ये सिग्नल ठीक से नहीं आ रहा है, आपका वॉइस भी ऊपर नीचे हो रहा है, तो आप वैसे व्हाट्सएप पे प्रश्न पूछ लीजिएगा, है ना, वो क्लियर होगा। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरी हरि बोल।